हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम रिलीजियस मूवमेंट इन एंशियंट इंडिया स्टार्ट करेंगे। देखिए, 6th century BC में देयर वर एज मेनी एज 62 रिलीजियस सेक्ट्स इन द मिड गैंगटिक प्लेन। ठीक है, इन सारे जो 62 रिलीजियस सेक्ट्स है, इसमें से जैनिज्म एंड बुद्धिज्म आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दे इमर्ज एज द मोस्ट इफेक्टिव रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, अब देखिए, इसमें भी बात करें तो जैनिज्म को हम स्टार्ट करेंगे। पहले, ओरिजिन ऑफ जैनिज्म इज़ वेरी ओल्ड। द ऋग वैदिक हिम्स मेंशन ऋषभ एंड अरिष्ट नेमी, टू ऑफ द जैन तीर्थंकरास। ठीक है, तो जो है हमारे ऋग वेद में भी इनका मेंशन है, ऋषभ देव का और अरिष्ट नेमी का। विष्णु पुराण और भगवत पुराण में मेंशन है कि जो ऋषभ देव थे, ही वॉज द इनकारनेशन ऑफ द नारायणा। ठीक है, अवतार थे वो नारायण के, और टोटल 24 तीर्थंकरास थे। ये कभी कभी एग्जाम में इस तरीके से पूछ लेते हैं वनडे में, तो टोटल 24 तीर्थंकरास थे। सारे जो है क्षत्रिय क्लीन से बिलोंग करते थे। और ऋषभ देव, ठीक है, या फिर आदिनाथ, ठीक है, ऋषभनाथ या आदिनाथ वॉज द फर्स्ट तीर्थंकरा। तो ऋषभनाथ और उनको आदिनाथ भी कहते हैं, ही वॉज द फर्स्ट तीर्थंकरा। 22 ऑफ देम आर अननोन टू द हिस्ट्री। ठीक है, उनको हमें उनकी हिस्ट्री हमें नहीं पता है। एंड 23rd तीर्थंकरा नेम द पार्श्वनाथ, ओनली 250 ईयर्स बिफोर द महावीर हैड रियल एग्जिस्टेंस। ठीक है, 250 साल पहले महावीर के थे पार्श्वनाथ, एंड ही वॉज सन ऑफ द किंग अश्वसेन ऑफ बनारस। हिज फोर मेन टीचिंग्स, उनकी चार मेन टीचिंग्स थी, देख लेते हैं। नॉन इंजरी मीन्स अहिंसा, नॉन लेइंग मीन्स असत्य, सत्य नॉन लेइंग मीन्स सत्य, नॉन स्टीलिंग मीन्स अस्तेय। ठीक है, नॉन पोजेशंस मीन्स होता है अपारिग्रह। ठीक है, महावीर एडॉप्टेड ऑल दीज फोर टीचिंग्स एंड एडेड वन मोर। ठीक है, एक और जोड़ दिया जिसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य भी जोड़ दिया। तीर्थंकराज की बात करें तो देखिए, तीर्थंकर ऑल्सो नोन एज द जिन, इनको जिन कहते हैं। जिन मतलब होता है कॉन्करर। ठीक है, कॉन्करर आर द टीचर्स हु शो पीपल पैसेज थ्रू द डार्क वाटर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, देयर आर 24 तीर्थंकराज, 24 तीर्थंकरा टोटल थे। सबका अपना अलग अलग सिंबल है। देखिए, जैसे ऋषभनाथ है, इनका सिंबल बुल है। ठीक है, जो है अजीत नाथ है, ये जो है आप इनका है एलिफेंट। इस तरीके से संभव नाथ हो गया, इनका हॉर्स है। ठीक है, अब ऐसे ही सारे जो तीर्थंकर हैं, ये जो है आपके टोटल 24 हैं, आप देख लीजिएगा एक बार। पार्श्वनाथ देख लीजिए, पार्श्वनाथ जो है ये हुडेड सर्पेंट है। पार्श्वनाथ के क्या है, हुडेड सर्पेंट है, महावीर का लॉयन है। ठीक है, तो एक बार आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा कि 1 से 24 जो है उनके सिम्बॉल्स क्या क्या है। ठीक है, आपको याद रखना है क्या, ऋषभनाथ का बुल याद रख लीजिएगा। ठीक है, और अजीत नाथ का एलिफेंट याद रख लीजिएगा, और रेड लोटस भी है, पद्म प्रभु का याद रख लीजिएगा, रेड लोटस है इनका। ठीक है, स्वास्तिक जो है ये कभी आया नहीं है, बट फिर भी एक बार आप देख लीजिएगा, एक बार सारा ही एक बार आप देख लीजिएगा किसका क्या है। और पार्श्वनाथ का बिल्कुल याद रखिएगा, हुडेड सर्पेंट है। ठीक है, महावीर का लॉयन है, आपको पता है। तो ये हो गया हमारा। महावीर के बारे में बात करें तो ये इनका जन्म 540 से, और जो है इनका टाइम पीरियड जो है 540 से लेके 468 तक BC तक है। ठीक है, महावीरा मीन्स ग्रेट हीरो वॉज बॉर्न इन 540 BC एट कुंडा ग्राम नियर वैशाली। ठीक है, कुंडा ग्राम नियर वैशाली। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज द वर्धमान। ठीक है, वर्धमान इनके चाइल्डहुड का नाम था वर्धमान। हिज फादर सिद्धार्थ वॉज द हेड ऑफ द क्षत्रिय क्लेन कॉल्ड द जांत्रिकास। ठीक है, तो इनके फादर जो है क्षत्रिय क्लेन से बिलोंग करते थे। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, एंड वर्धमान्स मदर त्रिशला वॉज द सिस्टर ऑफ द चेतक। ठीक है, तो ये कौन थी, चेतक की, त्रिशला जो है चेतक की सिस्टर थी, याद रखिएगा सिस्टर। ठीक है, सिस्टर थी, एंड हु वॉज अ लिच्छवी प्रिंस एंड रूलर ऑफ वैशाली। तो जो चेतक थे वो कौन थे, लिच्छवी प्रिंस थे और वैशाली के रूलर थे। और उनकी उनकी जो जो है सिस्टर थी, जो उनका नाम था क्या, उनका नाम था त्रिशला। ठीक है, और जो माता थी किसकी, ये जो है महावीर की माता थी। ठीक है, अब देखिए, महावीर वाज मैरिड टू यशोदा। ठीक है, यशोदा से इनका विवाह हुआ था, बाय हुम ही हैड अ डॉटर। ठीक है, इनका नाम है अनुजा। ठीक है, अनुजा वाज मैरिड टू जमाली। ठीक है, जमाली से इनका विवाह हुआ था। एंड हु बिकेम द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ महावीरा। तो जो महावीर भगवान थे, उनके पहले डिसाइपल कौन थे, उनके पहले डिसाइपल जमाली थे, उनके जो है सन इन लॉ ही उनके पहले डिसाइपल थे। ही रिनाउंस हिज फैमिली एट द एज ऑफ 30 आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स।
तो 30 याद रखिएगा, 30 साल की एज में अपने पेरेंट्स के डेथ के बाद उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था एंड प्रोसीडेड इन द सर्च ऑफ ट्रुथ, ठीक है, सच की खोज में निकल पड़े। ही अटेन्ड द कैवल्य, कैवल्य मीन्स होता है परफेक्ट नॉलेज अंडर द साल ट्री। तो आपको याद रखना है कैवल्य याद रखना है, कुछ कुछ वर्ड्स जो आपको याद रखने, साल ट्री याद रखना है, उसी के नीचे इनका हुआ था। और रिजुपालिका रिवर, अभी हम और बात करेंगे, पीपल टी की बात करेंगे, निरंजना रिवर की बात करेंगे, लेकिन अभी आपको याद रखना है कैवल्य, ठीक है, साल ट्री और रिजुपालिका एट, ठीक है, जम्ब्रिक ग्राम ईस्टर्न इंडिया में है ये जो है इनका, एट द एज ऑफ 42, ठीक है, 42 साल की एज में उनको जो है क्या हो गया, कैवल्य की प्राप्ति हो गई। कहाँ पे हुई, साल ट्री के नीचे एंड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रिजुपालिका, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ था ये, जो है जिम्बिका ग्राम में उनका, इनको जो है ईस्टर्न इंडिया में है, इनको जो है कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ही वॉज कॉल्ड एज जिना या जितेंद्रिया, इनको जिन कहा गया और जितेंद्र, जब कैवल्य की प्राप्ति हो गई तो ही वॉज कॉल्ड जिना और जितेंद्रिया, ठीक है। वन हु कॉन्कर्ड हिज सेंसेस, ठीक है, सेंसेस को कॉन्कर करना सबसे टफ होता है, ठीक है, इस संसार में। निर्ग्रंथा, फ्री फ्रॉम ऑल द बॉन्ड्स, ठीक है, कोई भी बॉन्ड, कोई भी बंधन नहीं था उनके ऊपर, ठीक है। कैवलिन, कैवलिन मतलब होता है सुप्रीम ऑमनिसेंट, ठीक है। अरहंत मीन्स होता है ब्लेस्ड वन, ठीक है, ब्लेस्ड वन, ठीक है। और महावीर का मतलब होता है द ब्रेव, ठीक है, ब्रेव, बहादुर। महावीर प्रीस्ट फॉर 30 इयर्स एंड डाइड एट द एज ऑफ 72, 72 साल की एज में उनकी डेथ हुई, ठीक है, कहाँ, 468 BC में एट द पावापुरी नियर द राजगृह, ठीक है, कहाँ पे, पावापुरी में, राजगृह में। तो आप उनका बर्थ प्लेस, डेथ प्लेस ये सब याद रखिएगा। टीचिंग्स इनकी क्या क्या थी ये हम देख लेंगे। तो देखिए पंच महाव्रता, फाइव वर्ड्स ऑफ द जैनिज्म, क्या थे पंच महाव्रता द फाइव। अब देखिए इसमें हमारा पांच वर्ब्स थे जैनिज्म के, तो अब कौन कौन से थे, अभी हमने देखा था कि फोर जो है 23rd जो तीर्थंकर थे उन्होंने ऐड किया था, और एक लास्ट में जो है किसने ऐड कर दिया था, ये जो है महावीर ने ऐड किया था, ठीक है, लास्ट, और वो ब्रह्मचर्य था। तो अब देखिए चार जो है ये पहले के थे, चार कौन कौन से हैं, अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस, सत्य मीन्स होता है ट्रुथ और नो लाइज, ठीक है, आस्तेय मीन्स होता है नॉन स्टीलिंग, अपारिग्रह मीन्स होता है नॉन पोजिशन, ठीक है, ब्रह्मचर्य जो महावीर का था, तो ये जो है मतलब चेस्टिटी, ठीक है। ओनली द लास्ट प्रिंसिपल वॉज एडेड बाई महावीरा, द अदर्स वर प्रोवाइडेड बाई द पार्श्वनाथ, ठीक है। द फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ और वर्ब्स वेन ऑब्जर्व बाई अ मॉन्क स्ट्रिक्टली आर कॉल्ड एज द महा महावतारा, ठीक है, इनको फिर क्या कहते हैं, महावतारास। एंड वेन जब एक कॉमन जो फॉलोअर्स थे वो जो है सारे व्रतों का पालन करते थे, तो वो क्या कहते थे, अ लेस रिग्रेस मैनर इज कॉल्ड एज द अनुवतारा, ठीक है, अनुव्रता है, सॉरी, महाव्रता एंड अनुव्रता, ठीक है। तो अगर बहुत ही जो एक मॉन्क उसको फॉलो करते हैं तो उसको कहते हैं महाव्रत, और अगर एक जो है कॉमन पर्सन उसको फॉलो करते हैं तो उनको कहते हैं अनुव्रत, थोड़ा सा वो ईजी होता था अनुव्रत, ठीक है। त्रिरत्ना, अब ये सीधे पूछा था कि त्रिरत्ना कहाँ पे है, ये जैनिज्म है कि बुद्धिज्म में है, तो त्रिरत्ना जो है जैनिज्म में है, ठीक है, बुद्धिज्म में नहीं है। तो अल्टीमेट गोल ऑफ जैनिज्म इज रियलाइजेशन ऑफ द निर्वाणा और मोक्षा विच कैन बी अटेन बाय द फॉलोइंग थ्री रत्न, ठीक है। तो अल्टीमेट एम क्या था, निर्वाण था, मोक्ष था, ठीक है, और ये तीन चीजें, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, ठीक है, सम्यक कर्म, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक कर्म, ठीक है। सम्यक ज्ञान है राइट नॉलेज, सम्यक विश्वास है राइट फेथ, एंड सम्यक कर्म है राइट कंडक्ट और एक्शन, ठीक है। थियरी ऑफ स्यादवाद या मे बी की थियरी, स्यादवाद की थियरी, जैनिज्म रियलिटी इज कैरेक्टराइज बाय अनेक अनेकात्व, ठीक है, मीन्स होता है प्लूरलिटी। All our judgments are necessarily relative. There are no certainty in any knowledge. ठीक है, किसी में भी certainty नहीं है. And स्यादवाद is the, अब देखिए एक होता है ना maybe का course लेके चलना पड़ता है, तो ये जो है course to adopt, स्यादवाद का course ही हमें adopt करना पड़ेगा। To every questions the correct reply is स्याद, मतलब perhaps, maybe. हम कुछ कोई चीज़ certainly नहीं कह सकते हैं, हर चीज़ का answer maybe भी होगा, स्यादवाद को हमें follow करना होगा। There can be no absolute judgment on any issue. ठीक है, कोई किसी भी issue पे कोई absolute जो है judgment नहीं होता है। जिना believe in dualistic philosophy. जो जैन होते हैं वो believe किस में करते हैं, dualistic philosophy में, ठीक है, of jin. अब देखिए dualistic philosophy क्या है, जिना means eternal soul and
अजीवा मीन्स इटर्नल एलिमेंट, दो चीजें ये बिलीव करते हैं, जिन मीन्स इटर्नल सोल एंड अजीवा मीन्स इटर्नल एलिमेंट, ठीक है, एवरीवेयर दो चीज वो समझते हैं. द जिना एक्स एंड इट अफेक्टेड बाई एक्ट एंड इट इज अ नोइंग सेल्फ, ठीक है. अजीवा इज एटॉमिक एंड अनकॉन्सियस. तो देखिए दो चीज हैं, एक तो जिसमें जीव है और एक जो है अजीव है. जीव क्या है, वो एक्ट करता है, वो काम करता है, उस पर इफेक्ट होता है, वो इफेक्ट करता है, वो अपने आप को समझता है. और अजीवा क्या है, अजीवा इज एटॉमिक और अनकॉन्सियस स्टेट जो है, मतलब उसमें भी वो एटॉमिक है, वो एटम्स के फॉर्म में है, वो अनकॉन्सियस स्टेट में है, ठीक है. तो ये दो चीजें इसमें बताई गई, जिना एंड अजीव, ठीक है. थियरी ऑफ नॉलेज क्या है, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म देयर आर 5 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नॉलेज, ठीक है. तो कौन कौन सी हैं, मैति जना मीन्स होता है इट इज ऑर्डिनली अटेन नॉलेज थ्रू सेंसेस इंक्लूडिंग द माइंड, ठीक है, हम अपने दिमाग से कोई नॉलेज ले लेते हैं. श्रुति जना मीन्स नॉलेज अटेन ईदर बाय लिसनिंग और टू रिसाइटिंग द कंटेंट ऑफ स्क्रिप्चर्स, ठीक है. फिर हमारा है अवधि जना मीन्स होता है नॉलेज, नॉलेज मेक्स वन इनलाइटेड विद नॉलेज ऑफ द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर. तो इनलाइटेड कैसे हो सकता है, कि अगर नॉलेज उसके पास पास्ट की प्रेजेंट की और फ्यूचर की हो तो वो इनलाइटेड हो सकता है. महापरियाना जना मीन्स स्टैंड फॉर द प्रोबिंग इन टू वंस माइंड एंड हार्ट, ठीक है. तो ये जो है किसी के माइंड और हार्ट में प्रोब करना, ये जो हमारा है महापरियाना जना, ठीक है. और दूसरा होता है कैवल्य जना, मतलब तो इट इज द हाइएस्ट नॉलेज ऑफ द टू बी अटेन्ड बाई द फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म. तो इससे ऊंचा कोई भी नॉलेज नहीं होता, ये पांच तरह का नॉलेज. तो सबसे जो ऊंचा नॉलेज होता है वो है कैवल्य जना, मतलब क्या होता है हाइएस्ट नॉलेज. और पहला क्या था, पहला था मति जना, मति मतलब होता है, मति मतलब बुद्धि, बुद्धि से जो हम चीज समझ लेते हैं. तो देखिए हम अभी तो हम मति जना ही, बहुत सारे हम लोग में से बहुत सारे लोग, हम लोग भी जो है अभी जो बुद्धि से हमें जो अर्जित करना है वही हम अर्जित नहीं कर पा रहे हैं. श्रुति जना, ठीक है ना. फिर है अवधि जना, ठीक है, महापरिनिर्वाण जना, और फिर है कैवल्य जना. तो कैवल्य जना बहुत ऊंची चीज हो जाती है. नेक्स्ट हमारा है सेल्फ मॉडिफिकेशन, ठीक है, संलेखना. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग तो संलेखना के बारे में बहुत बार सुनते होंगे. तो सम स्पेशल स्ट्रेस इज लेड ऑन द फैक्ट्स एंड इसमें क्या है पीनेंस इन जैनिज्म. तो क्या होता है, इट वॉज बिलीव दैट इफ एन इंडिविजुअल डाइड ड्यूरिंग द सेल्फ मॉडिफिकेशन ही अटेन्ड सल्वेशन. अगर संलेखना करके कोई अपनी किसी की जान जो है चली जाती है, जान चली जाना इसको नहीं कहेंगे, एक्चुअली राइट पोर्ट नहीं होगा, तो उसको जो है क्या होगा, वो सल्वेशन को उसको वो प्राप्त हो जाएगा. मतलब अब इसमें क्या होता है, संलेखना में लोग जो है धीरे धीरे अपना खाना कम कर देते हैं, ठीक है ना, फूड इनटेक कम कर देते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि खाना बिल्कुल भी छोड़ देते हैं. वो जब खाना पूरी तरीके से छोड़ देते हैं तो फिर वो पानी पीना भी छोड़ देते हैं, और धीरे धीरे क्या होती है, वो मृत्यु की तरफ बढ़ जाते हैं. और उसी को कहते हैं कि साल्वेशन उनको मिल गया है, ठीक है ना. इमेंसिपेशन ऑफ द वीमेन, महावीरा वॉन्टेड दैट वीमेन शुड ऑल्सो अटेन मोक्ष, ठीक है. दैट इज वाई ही परमिटेड वीमेन टू ज्वाइन द संघास समिति एंड श्राविक वर द टू कैटेगरीज ऑफ वीमेन इन जैन रिलीजन, ठीक है. तो श्रामिनीज एंड श्राविक्स दो तरीके की वीमेन्स थी, श्रामिनीज एंड श्राविक्स दो तरीके की वीमेन की कैटेगरीज थी, ठीक है. स्प्रेड ऑफ जैनिज्म की बात करें तो इन ऑर्डर टू स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ द जैनिज्म, महावीरा ऑर्गेनाइज्ड एन ऑर्डर ऑफ हिज फॉलोअर्स कॉल्ड एज द संघ. संघ को ऑर्गेनाइज किया दैट एडमिटेड बोथ मैन एंड वीमेन, ठीक है. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मैन और वीमेन दोनों ही रहा करती थी. ही प्रीच हिज टीचिंग्स इन प्राकृत, ये भी याद रखिएगा, प्राकृत में टीचिंग होती थी. अब ऑप्शन में कुछ और दे देगा तो प्राकृत याद रखिएगा. लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, एक आम जो जन थे, आम लोग थे, उनका लैंग्वेज था प्राकृत, ठीक है. आफ्टर अटेनिंग कैवल्य ही गेव हिज फर्स्ट सर्मन, ठीक है. पहला सर्मन वो देते हैं, और कहाँ पे देते हैं, विपुचाल हिल्स में देते हैं, विपुचाल हिल्स में देते हैं, ठीक है, विपुचल हिल्स, ठीक है, विपुचाल हिल्स नियर राजगृह, ठीक है. तो कहाँ पे, राजगृह में पहला अपना विपुचल हिल्स में पहला जो है सर्मन देते हैं. देयर वर 11 गांधाराज और चीफ डिसाइपल्स ऑफ महावीराज, आउट ऑफ द 11 गांधाराज 10 डाइड बिफोर द महावीर, 11 में से 10 उनके जो है मृत्यु के पहले ही वो मृत्यु को प्राप्त हो गए. सुधर्मन याद रखिएगा, सुधर्मन वॉज द ओनली गांधारा हु सर्वाइव महावीरा एंड ही बिकेम द हेड ऑफ द जैन रिलीजन आफ्टर द महावीर.
लेकिन बौद्धिज्म में ऐसा नहीं होता, कोई हेड नहीं बनता है। बुद्ध भगवान कहते हैं कि मेरी जो प्रीचिंग्स हैं वही जो है आपको गाइडिंग, आपके लिए प्रिंसिपल्स होंगे, बाकी कोई इस तरीके से हेड वो किसी को नहीं बनाते। तो यहाँ पे सुधर्म जो है हेड बन जाते हैं। जैन कॉस्मिक साइकिल की बात करें, देखिए ईच कॉस्मिक साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, ठीक है, द असेंडिंग एंड द डिसेंडिंग। एट प्रेजेंट वी आर इन द फेज ऑफ डिसेंट, ठीक है, डिसेंट में है हम। अब देखिए रॉयल पैटर्न्स टू जैनिज्म, ठीक है, चेटक, ठीक है, चेटका द रिच वी प्रिंस, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, अमोघवर्ष राष्ट्रकूट थे ये, खारवेल किंग ऑफ कलिंग, ठीक है, उसके बाद संप्रति ये अशोकास ग्रैंड सन थे, संप्रति, ठीक है, फिर है चंद प्रद्योत, ठीक है, चंद प्रद्योत, ठीक है, चंद प्रद्योत ये किंग ऑफ अवंती है, चंद्र प्रद्योत, रॉयल डायनेस्टी ऑफ द साउथ इंडिया एज गंगास, ठीक है, गंग्स और कदम्स, ठीक है, चालुक्य, ये सारे जो है जैनिज्म को सपोर्ट करते थे। ठीक है, फिर से देखते हैं चेटक जो था, चेटक कौन था, लिच्छवी प्रिंस था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, अमोघवर्ष राजकुट थे, खारवेल किंग ऑफ कलिंग, ठीक है, संप्रति ये अशोक के ग्रैंडसन थे, और चंद्र प्रद्योत जो है ये किंग ऑफ अवंती थे, रॉयल डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया, एंड जैसे कौन कौन से थे, गंग्स थे, कदम्ब है, चालुक्य, ये सारे जो है सपोर्टर्स थे जैन के। डिवीज़न ऑफ जैनिज्म, देखें डिवीज़न ऑफ जैनिज्म, अब देखिए अकॉर्डिंग टू द जैन लिटरेचर, प्रसिस्ट प्रवन अस द सीवियर फैमिन, ठीक है, ऑकर इन मगध 200 साल पहले आफ्टर द महावीराज डेथ, ठीक है, तो महावीर के डेथ के 200 साल के बाद, ठीक है, एक फेमीन आता है कहाँ पे, जो आपके पट, अच्छा इसमें अभी मेंशन होगा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ मेनी जैन माइग्रेटेड टू द श्रवण बेलगोला, ठीक है, कर्नाटक में बहुत सारे लोग माइग्रेट हो जाते हैं, श्रवण बेलगोला चले जाते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु। तो ये इंपॉर्टेंट है, अभी याद, इसमें क्वेश्चन आएगा कि किसके जो है लीडरशिप में ये श्रवण बेलगोला चले जाते हैं, द रेस्ट ऑफ देम स्टेट, अब ये देखिए मगध, हाँ मगध में ये होता है, मगध में एक फेमीन आता है, और जो बच्चे होते हैं कुछ लोग जाना पसंद करते हैं और कुछ लोग नहीं पसंद करते, दो इसीलिए दो ग्रुप में वो डिवाइडेड हो जाते हैं, अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थूल बाहु, याद रखिएगा जो जाते हैं वो भद्रबाहु के साथ जाते हैं, वो उनके लीडरशिप में, जो रहते हैं वो स्थूल बाहु के लीडरशिप में रहते हैं, ठीक है, द इमर्जेंट जैन स्प्रेड जैनिज्म इन साउथ, ठीक है, तो ये लोग जो जाते हैं कर्नाटका में श्रवण बेलगोला में, तो साउथ में खूब, और अभी भी वहाँ पे जो है कर्नाटका में बहुत सारे जैन लोग हैं, ठीक है, न्यूमरस जैन मोनेस्ट्रिक एस्टेब्लिशमेंट कॉल्ड द बसादीज केम अब इन कर्नाटका एंड वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग्स फॉर देयर सपोर्ट, ठीक है, व्हेन द फेमीन एंडेड आफ्टर 12 इयर्स द माइग्रेंट्स केम बैक टू द मगध, दे वर डेवलप डिफरेंसेस विद द लोकल जैन्स, ठीक है, जो वहाँ रुक गए थे उनसे डिफरेंसेस हो गए उनके, दोज हु रिटर्न फ्रॉम द साउथ क्लेम दैट इवन ड्यूरिंग द फेमीन दे हैड स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व द रिलीजियस रूल्स, ठीक है, तो जो साउथ में चले गए, ठीक है, दोज हु रिटर्न फ्रॉम द साउथ क्लेम, वो लोग क्लेम करते हैं कि इतना जो है फेमीन आने के बाद भी हम लोग जो है सारी चीज़ें जो जो भी जो है रूल्स और रेगुलेशंस थे हमने सब कुछ फॉलो किया है, इन ऑर्डर टू शॉर्ट आउट द डिफरेंसेस एंड टू कंपाइल द टीचिंग्स ऑफ द जैनिज्म, अ काउंसिल वॉज कन्वीन्ड इन पाटलिपुत्र, एक पाटलिपुत्र में काउंसिल जो है बुलाई जाती है, एंड बोथ द साउदर्न जैन्स बायकॉटेड इट, बट द साउदर्न जैन, जो साउथ के जैन होते हैं वो बाइकॉट कर देते हैं, ठीक है, तो साउथ में कौन जाता है, किसके जो है लीडरशिप में जाते हैं ये लोग, ये जो है जाते हैं भद्रबाहु के, ठीक है, भद्रबाहु की लीडरशिप में जाते हैं, एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द डिविजन्स, वो डिविजन को भी एक्सेप्ट करना रिफ्यूज कर देते हैं, अब नहीं हम मानेंगे ये सब। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड साउदर्न जैन्स बिगिन टू कॉल्ड एज द दिगंबराज, ठीक है, तो अब वो उनको दिगंबर कहा गया, ठीक है, दिगंबराज कहा गया, दोज हु रिमेन नेकेड, ठीक है, एंड द मगधा जैन, उनको श्वेतांबर कहा गया, जो मगध में रह गया उनको क्या कहा गया, श्वेतांबर, दोज हु अडॉप्टेड व्हाइट गारमेंट्स, ठीक है, तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दिगंबर एंड श्वेतांबर, ठीक है, दिगंबर वो जो वहाँ चले गए कर्नाटक, और श्वेतांबर वो जो मगध में रह गया, ठीक है, जैन काउंसिल्स देखेंगे हम, फर्स्ट जैन काउंसिल की बात करें तो प्रेसिडेंट कौन थे, स्थूल बाहु, क्योंकि भद्रबाहु ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, ठीक है, तो ये किसके डिसाइपल थे, संभूत विजय के ये डिसाइपल थे, ठीक है, प्लेस कहाँ था, पाटलिपुत्र, मॉडर्न डे पटना है, रिजल्ट क्या था, जैनिज्म डिवाइडेड इनटू टू दिगंबराज एंड द श्वेतांबराज, दो पार्ट में डिवाइड होता है जैन जो है जैनिज्म, और कंपाइलेशन होता है 12 अंगास का, 12 अंग्स का कंपाइलेशन होता है, सेकेंड जैन काउंसिल होती है,
प्रेसिडेंट कौन होते हैं? देवार्ध, ठीक है, देवार्ध जो प्रेसिडेंट होते हैं, ये जो है प्लेस होता है वल्लभी, वल्लभी गुजरात में, सेकंड बॉडी काउंसिल होता है। रिजल्ट क्या आता है? जैन लिटरेचर वॉज गिवन अ डेफिनेट शेप इन विच इट इज फाउंड इवन टूडे। अभी जो जिस प्रेजेंट फॉर्म में जैन लिटरेचर है उसी शेप में उसको उस टाइम जो है सेकेंड जैन लिटरेचर में वल्लभी में जो गुजरात में हुआ था उसमें जो है वो शेप दिया गया। ठीक है, तो आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम द साउथ भद्रबाहु हैड, ओके ये यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है। आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम द साउथ भद्रबाहु हैड रिटायर्ड टू नेपाल। ठीक है, भद्रबाहु जो है नेपाल चले जाते हैं। नाउ स्थूल भद्र वॉज द लास्ट मैन हु न्यू ऑल द फोर पूर्वास। ठीक है, स्थूल बाहु ही बसते हैं जिनको जो है आपके चारों पूर्वास का पता होता है, जो ओल्ड टेक्स्ट होते हैं इन विच द टीचिंग्स ऑफ महावीरा वर कलेक्टेड। ही हैड लर्नड ऑल फ्रॉम द भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु से सीखे होते हैं, बट वॉज prevented to teach the last four to his successors. ठीक है, in view of the danger of loss of the sacred scriptures, स्थूल भद्र called a council at पाटलिपुत्र। ठीक है, in which 10 पूर्वास were rearranged in 12 अंगास। 10 पूर्वा को 12 अंगों में जो है अरेंज कर दिया जाता है। At present scripture of Jain is simply rearranged of the 11 angas made by the Vallabhi, made in Vallabhi, and 12 angas having already been lost by the time. ठीक है, 12वां जो 12th अंग था वो जो है उस टाइम से ही लॉस्ट हो गया। अभी 12 जो है तो 11 अंगा अभी भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म की बात करें तो जैन लिटरेचर, ठीक है, बोथ श्वेतांबरा एंड दिगांबरा सेक्ट्स कॉल्ड देयर सेक्रेट बुक द अंगा, हाँ, अगम सिद्धांत। ठीक है, उसको जो है अगम सिद्धांत कहा गया। द सेक्रेट लिटरेचर श्वेतांबरा, लिटरेचर ऑफ श्वेतांबरा इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ द प्राकृत। ठीक है, प्राकृत में लिखा गया है। ठीक है, अर्स और अर्ध, ठीक है, अर्स और अर्ध मगधी में, अर्स और अर्ध मगधी में। तो ये जो एग्जाम में आ जाता है कि किस लैंग्वेज में लिखा गया, देखिए प्राकृत में है, किस में है, प्राकृत में है और अर्ध मगधी में है, एंड इज क्लासिफाइड एज फॉलोज। ठीक है, जो है कैसे कैसे हैं, देखिए 12 अंगास, 12 उपअंगास, 10 प्राकृनास। ठीक है, और ऐसे ऐसे आपके जो है इनके पूरे लिटरेचर को डिवाइड किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट हमारा है कल्प सूत्र, विच वॉज विच फॉर्म द पार्ट ऑफ द चेदा सूत्रा। ठीक है, वॉज रिटन बाय द भद्रबाहु। ठीक है, तो कल्प सूत्र जो है, कल्प सूत्र जो है किसने लिखा, भद्रबाहु ने लिखा। ठीक है, भद्रबाहु ने लिखा। अंतर कथा समग्र बाय द राजशेखर। ठीक है, ये राजशेखर ने लिखा। कथा रत्नाकार बाय द हेम विजय। ठीक है, कथा रत्नाकार किसने लिखा, हेम विजय ने लिखा। ठीक है, कथा कोश बाय द पंच सती। ठीक है, ये जो है इनके द्वारा लिखा गया। तो ये कुछ राइटिंग्स हैं। ठीक है ना, पद्म है, पद्मचरित है, पद्मचरित बाय द विमल सूरी। ठीक है, प्रमेय, ये जो है इन्होंने प्रमेय कामाल, क्या है ये, कामला मारतन, पता नहीं क्या है, आप एक बार देख लीजिएगा इसको, जो जो लिखा हुआ है ये। ठीक है, और जैन लिटरेचर की बात करें तो देखिए भिक्षु गृहास, इसको केव बोलते हैं, ड्वेलिंग प्लेस एट द उदयगिरी। ठीक है, टाइगर केव और कांधेरी। ठीक है, हाथी गुम्फा केव ऑफ खारवेला इन उड़ीसा, एल्लोरा और रुइंस। देखिए यहाँ पे जो है पार्श्वनाथ, जो झारखंड में पार्श्वनाथ हिल्स जो रुइंस हैं, तो ये सारे जो है अजंता आर्किटेक्चर हैं। ठीक है, जैन टेम्पल्स की बात करें तो रनकपुर नियर द जोधपुर एंड दिलवाड़ा टेम्पल नियर द माउंट आबू इन राजस्थान। जैन टावर जो है कहाँ पे, चित्तौड़ में, राजस्थान में है। ठीक है, जाइगेनेटिक स्टैच्यू ऑफ द बाहुबली कॉल्ड द गोमतेश्वर। ठीक है, ये जो है समन बेलगोला में, कर्नाटका में है। ठीक है, और इमेज ऑफ द तीर्थंकरा फ्रॉम द लोहानीपुर। ठीक है, कहाँ पे है लोहानीपुर, ये जो है आपका पटना में। ठीक है, लोहानीपुर पटना में। ठीक है, बुद्धिज्म, अब हम बुद्धिज्म पे आएंगे, 563 टू 483 BC। ठीक है, थोड़ा सा ये क्लियर दिखा दिया हुआ नहीं, एक बार आप इसको जो है देख लीजिएगा।
तो ये जो है आपका गौतम बुद्ध और सिद्धार्थ, ठीक है, गौतम बुद्ध और सिद्धार्थ द फाउंडर ऑफ द बुद्धिज्म वाज बोर्न इन 563 बीसी। ठीक है, कब इनका जन्म हुआ था? 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी रुम्मनदेई में हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी रुम्मनदेई में हुआ था, नाउ इन नेपाल, इन द साक्य क्षत्रिय क्लेन। कहाँ पे हुआ था? साक्य क्षत्रिय क्लेन में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, रुम्मनदेई में। ठीक है, और ये जो है कपिलवस्तु में था। ठीक है, पिपरहवा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। पिपरहवा आप जानते हैं, पिपरहवा तो ये बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में था, तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। हिज मदर वॉज सुदोधना, हिज फादर वॉज सुदोधना, उनके पिता का नाम सुदोधन था, एंड हिज मदर वॉज माया। माया उनकी जो है मदर का नाम था, हु वॉज अ प्रिंसेस ऑफ द नेबरिंग क्लेन ऑफ द कोलियास। ठीक है, कोलिया की जो है क्लेन की उनकी माता थी, एंड डाइड 7 days आफ्टर द बर्थ ऑफ द सिद्धार्थ। ही वॉज ब्रॉट अप बाई हिज स्टेप मदर प्रजापति गौतमी, एंड प्रजापति गौतमी वॉज द सिस्टर ऑफ द माया। ठीक है, उनकी माया की जो है सिस्टर थी, और वो जो है स्टेप मदर थी गौतम बुद्ध की। एंड ही वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 16 टू यशोधरा। यशोधरा से उनकी उनका विवाह हो जाता है। देखिए, यशोदा से उनका होता है और यशोधरा से इनका होता है, एंड अ सन, इनके जो है पुत्र का नाम होता है राहुल। देवदत्ता वॉज हिज कजिन। ठीक है, देवदत्त उनके कजिन होते हैं। हाँ, देखिए, महान महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण, द साइट ऑफ एन ओल्ड मैन, डिजीज्ड पर्सन, डेड बॉडी एंड द एस्थेटिक इंटेंसिफाइड द सिद्धार्थस डीप हार्टेड फॉर द वर्ल्ड। ठीक है ना, तो ये सारी साइट्स देख के जो है, जो सिद्धार्थ हैं उनका जो जो मन है ये सांसारिक दुनिया से बिल्कुल हट जाता है। ही लेफ्ट हिज होम, वाइफ, चाइल्ड, एंड इन अ सडन फिट ऑफ द रिनंसिएशन एट द एज ऑफ 29। और वो किस एज में? वो 30 केज में, महावीर 30 केज में रिनाउंस करते हैं, और ये 29 केज में, इन सर्च ऑफ ट्रुथ। ठीक है, हिज डिपार्चर इज ऑल्सो नोन एज द महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, ग्रेट रिनंसिएशन, क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण मतलब ग्रेट रिनंसिएशन। ठीक है, इनलाइटनमेंट ऑफ बुद्धा। अब देखिए, आफ्टर लिविंग द होम, सिद्धार्था लिव्ड एज अ होमलेस एसेटिक फॉर द सिक्स कंटिन्यूस ईयर्स। ठीक है, 6 कंटिन्यूस ईयर्स वो जो है घूमते रहते हैं, सीकिंग इंस्ट्रक्शन अंडर 2 ब्राह्मण टीचर्स। तो 2 ब्राह्मण टीचर्स उनको मिलते हैं। पहले का नाम होता है अलार कलाम। क्या नाम होता है? अलार कलाम, हु टॉट हिम टेक्निक ऑफ मेडिटेशन। ठीक है, वैशाली में उन्हें टेक्निक ऑफ मेडिटेशन सिखाते हैं, एंड अदर वॉज द रामपुत्ता। ठीक है, उनको उडका या फिर रामपुत्ता भी बोलते थे। तो एक उनका अलार कलाम, ठीक है, अलार कलाम बहुत फेमस एग्जाम में आता है, और दूसरे जो इनके टीचर्स थे उनका नाम है उडक रामपुत्र, हु टॉट हिम द हिम एट राजगृह। तो एक लोग थे वैशाली में अलार कलाम, और राजगृह में जो उडक रामपुत्र थे। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दीज टीचिंग्स एंड मेथड्स। ठीक है, सिद्धार्था देन प्रोसीडेड टू उरुवेला, मॉडर्न डे बोध गया। उरुवेला को बोध गया कहा गया। उरुवेला में जो है ये जो है मूव कर जाते हैं नियर गया, एंड सेट अंडर द पीपल टी, पीपल टी के नीचे बैठ जाते हैं, नियर रिवर निरंजना, मॉडर्न डे फाल्गु इसको बोलते हैं, वेयर एट द एज ऑफ 35 द वैशाख। देखिए, 35 ईयर्स के एज में, और वो किस एज में उनको जो है कैवल्य मिला था आप ये भी बताइए कॉमेंट सेक्शन में। तो 35 ईयर्स के एज में वैशाख पूर्णिमा के दिन ही अटेन इनलाइटनमेंट, निर्वाण उनको मिल जाता है। वहाँ पे बोलते हैं कैवल्य और यहाँ पे बोलते हैं निर्वाण। ठीक है, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ही कॉल्ड बुद्धा द इनलाइटनमेंट और द तथागत। इनको बुद्धा भी कहा गया या फिर उनको तथागत कहा गया, मतलब वन हु अटेन द ट्रुथ। ठीक है, या साक्य मुनि भी कहा गया, साक्य मुनि भी इन्हीं को कहा गया। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? गौतम बुद्ध डिलीवर्ड हिज सर्मन एट द डियर पार्क एट सारनाथ और ऋषि पाटन इन बनारस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये अपना पहला सेरेमन डियर पार्क में देते हैं। ठीक है, एंड वोन बैक 5 disciples। ठीक है, हु हैड डिसर्टेड हिम व्हेन ही हैड अबेंडन्ड द राइट पाथ ऑफ एस्टिज्म। ठीक है, दिस सर्मन वॉज कॉल्ड एज टर्निंग व्हील ऑफ द लॉ, धर्म चक्र प्रवर्तन इसको बोलते, टर्निंग व्हील ऑफ द लॉ दैट इज नोन एज द धर्म चक्र प्रवर्तना। ठीक है, It formed the nucleus of all the Buddhist teaching. He kept wandering, preaching and meditating continuously for 40 years, resting only during the annual rainy season. He gave maximum sermons at the Stravasti. ये बहुत important है, अभी exam में जो है ये UPSC के exam में आ चुका है question. ठीक है, तो he gave maximum sermon at the Stravasti, the capital of Koshala. ठीक है, कौशल का जो capital था Stravasti. ठीक है,
तो यहाँ पे जो है उन्होंने मैक्सिमम सरमन दिया अपना, ठीक है। कौशल, अगर रामायण आप सुने होंगे, पढ़ते होंगे, तो एक जो है उसमें चौपाई है, हृदय राख कौशलपुर राजा, ठीक है। तो कौशलपुर राजा की जो बात हो रही है वो यही अयोध्या की बात हो रही है। तो उसका जो कैपिटल था वो क्या था, श्रावस्ती था, ठीक है, कोशला का। तो वहीं पे जो है इनका पहला जो है, अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि ये जो फैजाबाद बस्ती और ये जो आपका अयोध्या का एरिया है, यहाँ पे जो है इन्होंने जो है क्या किया था, ये अपना जो है मैक्सिमम इनकी जो सर्मन्स थी, मैक्सिमम प्रीचिंग्स थी, यहीं पे थी उनकी। महापरिनिर्वाण की बात करें तो गौतम बुद्ध डाइड एट द एज ऑफ 80, 80 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है इन 483 BC। तो ये डेट वगैरह याद कर लीजिएगा, यही थोड़ा सा टफ होता है डेट वगैरह। तो डेट वगैरह 483 में इनका जो है क्या हुआ था, इनकी डेथ हुई थी अंडर द इन डेथ ना कह के इनको कहते हैं महापरिनिर्वाण का हुआ था अंडर द साल ट्री, साल ट्री के नीचे हुआ था, ठीक है। कहाँ पे, कुशीनगर में, ठीक है, कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। और ये जो है कसिया देवरिया बोलते हैं इसको, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे यूपी में। और यही इसी जो है, ये जो इनकी डेथ हुई इसी को कहते हैं महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण। हिज डेथ इज सेड टू हैव बीन कॉज्ड बाय द मील ऑफ पोर्क, ठीक है ना, सुकर मदद मदा, ठीक है। सुकर मद मतलब होता है सुकर यानी सुअर का मांस, तो उसको पोर्क बोलते हैं। तो वो खा के उनकी डेथ हुई थी, विच वॉज गिवन टू हिम बाई हिज डिसाइपल, और उनके डिसाइपल का नाम था चुंद, ठीक है। चुंद जो थे वो पावापुरी में रहने वाले थे और उन्होंने वही खा के उनके पेट में बहुत तेज जो है पीड़ा उठती है और उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। बुद्धास लास्ट टीचिंग वॉज हर्ड बाई सुभद्र, ठीक है, सुभद्रा, ठीक है, सुभद्र जो है या सुभद्रा, ये जो है इनके लास्ट जो है टीचिंग उनके सुने थे। वॉन्डरिंग एस्टी ये भी थे, आनंदा हिज फेवरेट डिसाइपल। तो आनंदा और सुभद्र जो है दो लोग थे जो इनकी जो है लास्ट जो प्रीचिंग थी वो जो है उन्होंने सुना था। और गौतमाज लास्ट वर्ड वॉज सब्जेक्ट टू डीके ऑल आर ऑल द कॉम्पोनेंट थिंग्स, ठीक है, स्ट्राइक अर्नेस्टली टू वर्क आउट योर ओन साल्वेशन, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है इसमें थोड़ा सा क्या है, ये पर्सन रिलेटेड टू बुद्धा, ठीक है, पर्सन रिलेटेड टू बुद्धा। देखिए सारीपुत्र एंड मोगलन्ना, ठीक है, मोगलना, ठीक है, सारीपुत्र एंड मोगलना वो कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय द असाजी, ठीक है, असाजी। अब ये देखिए सब पढ़ेंगे नाम तो आपको बुक में ये नाम नहीं मिलेंगे और इसमें भी नहीं है, आपके लूसेंट वगैरह में, एनसीईआरटी में भी मुझे नहीं मिला ये। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, कुछ फैक्ट्स बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, तो शायद आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो भी चल जाएगा, बट जो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे करा दूंगी। तो मे बी कभी एग्जाम में अगर मूड आ गया कि जो है क्राउन से ही पूछना तो पूछ लेंगे, ठीक है ना। तो इनका जो है पर्सन रिलेटेड टू बुद्धा ये कहें सतीपुत्र और मोगलन्ना, ठीक है, वो आर कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाई असाजी, ठीक है, असाजी, वन ऑफ द फाइव ओरिजिनल डिसाइपल्स। मोस्ट फेमस अमंग द फॉलोअर्स वर आनंदा, हिज कजिन एंड चीफ डिसाइपल थे इनके, आनंद सबसे जो है उनको प्रिय थे, सबसे जो है मोस्ट फेवरेट डिसाइपल थे ये, ठीक है ना। कसपा हिज मोस्ट लर्नड डिसाइपल, उपाली जो है एक बार्बर थे, ये सब आ जाता है, कसप क्या थे, मोस्ट लर्नड डिसाइपल थे, उपाली क्या थे, एक बार्बर थे, ठीक है। वासा द रिच यूथ, ठीक है, चन्ना द चैरियोटर, ठीक है, जो रथ खींचने वाले थे उनके, उन्हें वही उनको जो है जब वो महान विनिष्क्रमण हुआ तो वही लेके गया थे। कंथक उनके हॉर्स का नाम था, अलार कलाम एंड द सुजाता द फार्मर्स डॉटर हु गेव, अच्छा अलार कलाम तो उनके जो है गुरु थे, ठीक है। कंथक सुजाता, कंथक क्या था, उनका हॉर्स था, सुजाता फार्मर्स डॉटर थी, हु गेव राइस मिल्क टू बुद्धा एट द बोध गया वर एसोसिएटेड विद देम। तो ये सारे इनके लोग थे, ठीक है। अब रॉयल जो पैटर्न है बुद्धिज्म को वो कौन कौन देता, देखिए प्रसन्नजीत हैं जो किंग ऑफ कौशल होते हैं, बिम्बसार होता, जात शत्रु है अशोक है, प्रजापति गौतमी है ना, मिलिंद है, मिलिंडर है, कनिष्क है, हर्षवर्धन, गोपाल, धर्मपाल और रामपाल, यानी पाल डायनेस्टी तो बुद्धिज्म वाली ही थी। ग्रेट इवेंट्स एसोसिएटेड विद द बुद्धिज्म बर्थ है, बर्थ लोटस और बुल से है, ग्रेट रिनसिएशन हॉर्स से है, निर्वाण बोधि ट्री से, निर्वाण कैसे, बोधि ट्री से है, फर्स्ट सरमन धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं, डेथ को स्तूपाज और पर निर्वाण बोला जाता है। और जो है बुद्धास की टीचिंग के बारे में देखें तो देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बुद्धास टीचिंग आर रिप्रेजेंटेड बाय फोर नोबल ट्रूथ, चार नोबल ट्रूथ्स हैं उनके, क्या है, आर्य सत्य चार हैं, ठीक है। दुख यानी कि दुनिया में दुख है, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, ठीक है, दुख दुख समुद्र मतलब होता है डिजायर अटेनमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा द कॉजेज ऑफ सॉरो, मतलब दुख का कारण है, दुख है तो दुख का कारण भी है, ठीक है।
फोर्थ हमारा दुख निरोध, और सॉरो कैन बी स्टॉप, दुख को रोक भी रोका भी जा सकता है। और फिर है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि देयर इज अ पाथ लीडिंग टू द सीसेशन ऑफ द सॉरो, ठीक है, उसको खत्म करने का रास्ता भी है दुख को। तो ये हमने किया, और आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।